पहन सकते हैं आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त असदल, आप देख रहे हैं गेम में प्रोजा। तो आज की बात करने वाले हैं हम लोग एक बैट वॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर गेम निकल गया है। और आपको बैट वॉल कॉन्सेप्ट मिलता है, बैट वॉल कॉन्सेप्ट वो होता है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड के साथ यानी अपने कुलीग के साथ खेल सकते हैं, या आस पास के ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं, रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं। यानी आप सारे ऑनलाइन प्लेयर के साथ फाइट करेंगे, इसमें कोई स्टोर लाइन वगैरह नहीं होती इन गेम्स के अंदर। ये पबजी ले लें फॉर एग्जाम्पल, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो गया, ये सारे बैट वॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर गेम आए थे या आए नहीं थे अभी भी हैं। ऑन गेम आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, उसी टाइप का ये गेम देखने को मिलता है। तो ये किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा आ रहा है, ये कॉल ऑफ ड्यूटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा आता है। इस गेम का नाम है अरीना ब्रेकआउट। तो अभी इसके बहुत सारे बीटा वर्जन चल रहे हैं, अभी ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ऑफिशियल रिलीज होगा उसी चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगी। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो आपके पास ऑनलाइन पहुंचते रहें। इस गेम का पूरा क्रेडिट जाता है टेक अमेजिंग गेमर्स को। तो उनके चैनल को भी लाजमी जाकर फॉलो करें ताकि इसका वीडियो आपके पास ऑनलाइन पहुंचते रहें। तो अभी आपको फर्स्ट लुक में आपको दिखा रहा हूँ इस गेम का। यहाँ पर आपको इस टाइप का ग्राफिक देखने मिलती है, जैसे अभी ग्राफिक दिख रही होगी स्क्रीन पर। अगर आपको ऐसे आपको इसको फॉलो करना होता है, जैसे आप एक छोटे मिशन होते हैं वैसे आपको छोटे मिशन भी देखना होता है इसके अंदर बैट वॉल कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको वो भी कम्प्लीट करना होता है। अगर आप स्टोरी लाइन वाले गेम पसंद है, इसमें एक स्टोरी मोड है, एक बैट वॉल मोड है और एक मल्टीप्लेयर मोड है। बैट वॉल मोड में बैट वॉल और मल्टीप्लेयर मोड में ज्यादा फर्क नहीं है, वहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत चेंजेस देखने मिलते हैं। जैसे मल्टीप्लेयर मोड में आप आ जाए तो मल्टीप्लेयर मोड में आप लोग को फिर आप अदर ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं, और बैट वॉल में अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ सबके साथ खेल सकते हैं। मुझे यही पता है इसमें दोनों ऑप्शन क्यों डाले, बड़ा नहीं हो गेम्स के ऊपर है। तो यहाँ पर इस गेम को लॉग इन फायर करना, तो इस गेम के साइज के बारे में साइज आपको 2 से 3 GB के आसपास हो सकता है इस गेम का साइज, क्योंकि बैट वॉल कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन जितने भी गेम होते हैं उनका साइज तकरीबन बढ़ते रहता है। जैसे अपडेट आती है तो उसका साइज बढ़ते रहता है, जैसे पबजी आप इंस्टॉल करते हैं उसका साइज तकरीबन होता है 1 GB। जैसे उसके आप सारे मैप वगैरह जिस साइज से डाउनलोड करते हैं तो उसका साइज तकरीबन पहुंच जाता है 7 से 8 GB के आसपास पहुंच जाता है। मैं सच बात कर रहा हूँ, अगर आपको यकीन हो तो आप पबजी या फ्री फायर का डाउन कर लेकिन मोबाइल के अंदर तो उनके सारे मैप वगैरह डाउनलोड कर लें तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको इसकी ग्राफिक भी दिखा रहा हूँ, जिसका मैंने अभी लो ग्राफिक करेंगे तो इतनी अच्छी ग्राफिक देखने मिली है। जैसे आप देख रहे होगा अभी स्क्रीन पर, तो आपको इस टाइप की ग्राफिक देखने मिलती है। यहाँ पर फिर आपको एनवायरनमेंट देखने मिल रहा है, जिस बंदे को फॉलो करना है, छोटे मिशन होते हैं आस पास जो बंदे नजर आ रहे हैं, सारे ऑनलाइन प्लेयर भी आएंगे इसमें बीच बीच में, और आपको छोटे छोटे मिशन मिलेंगे। जैसे अभी ऑपरेशन यहाँ पर सेटिंग मैंने ऐसी करी है, जैसे मैं स्टोर लाइन खेलना अभी चौबीस है, अभी जो मूड मैंने लगाया था स्टोर लाइन का, तो इसमें स्टोर लाइन में छोटे छोटे मिशन होते, जैसे एक बंदे दूसरी जगह जा रहे हैं और बीच में बंदा नजर आ गया उसको मार दिया हम लोगों ने, तो इस टाइप का आपको एनवायरनमेंट देखना मिल रहा होता है। इस गेम को डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपने मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा गेम का दिल के नाम से। उसके अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा, उस वेबसाइट पर आने के बाद वहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट के लिंक मिल जाऊंगे, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी वेबसाइट से कौन सी वेबसाइट आपको अच्छी लगी, यहाँ से आप करेक्टर को आप कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पर आप नए गेम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, गेम में जो शो आ रहा है फीडबैक दे सकते हो, प्लस जो खेला हो आप गेम के अंदर से भी फीडबैक दे सकते हो अपने ईमेल के थ्रू। ये गेम के पास डायरेक्ट प्रोजेक्ट जिन्होंने गेम बनाया उनकी कंपनी में डायरेक्ट प्रोजेक्ट, आपको इशू आता है गेम में तो आप उनसे डायरेक्ट लाइव चैट का ऑप्शन भी वो दिखा सकते हो। इस गेम को लॉगिन ट्राई करना, जैसे रिलीज हुआ अभी बीटा वर्जन डाउनलोड करना है आप लोगों ने, तो ऐप स्टोर को विजिट कर सकते हो, और आपके मोबाइल के ऐप वाला होगा तो आपको डाउनलोड करके ऑप्शन मिल जाएगा, या नहीं होगा तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा जब तक रिलीज नहीं होता है। जब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।